नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनी टेबल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप किसी भी रेलवे एग्जामिनेशन जैसे कि RRB, ALP, ग्रुप डी या फिर कोई भी अन्य रेलवे एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो ये तथ्य आपके लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इनको जानना। पहला है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां चली थी। वह चली थी 1825 में ब्रिटेन में। दूसरा है, भारतीय रेलवे की प्रथम गाड़ी कब चली थी। ये विश्व की थी या पूछा है भारतीय रेलवे की, तो यह चली थी 16 अप्रैल 1853 में और इस समय भी अंग्रेजों का राज था। यह चली थी बोरीबंदर मुंबई से थाने, ये 34 किलोमीटर का फासला था, तो चली 1853 में। भारत का पहला सवारी डब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है। यह है पेरम्बूर में। सवारी डब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। भारत में रेलवे संग्रहालय कहां पर है। भारत में दो रेलवे संग्रहालय हैं, एक नई दिल्ली में और एक मैसूर में। आगे चलते हैं। सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी किया गया, तो यह जारी किया लाहौर में। सबसे पहले जारी किया गया रेल प्लेटफॉर्म टिकट, मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको जो टिकट लेना पड़ता है वह ये रेल प्लेटफॉर्म टिकट। रेल कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने बोर्ड हैं। पहले 19 थे लेकिन अभी कुछ ही हाल ही में दो बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। तो रेल कर्मचारियों की भर्ती के लिए हैं आपके 21 बोर्ड। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया। पहले दोस्तों एक ही बजट आया था सामान्य, उसमें भी रेलवे बजट होता था, लेकिन 1924 से रेलवे बजट अलग आया गया और सामान्य बजट अलग आया, तो इसका उत्तर है 1924। अगला है, भारतीय रेलवे में कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है। कमाई का सबसे बड़ा जरिया है माल भाड़ा। माल गाड़ी चलती है उससे जो इकोनॉमी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका जो भाड़ा होता है उसका सबसे बड़ा वह कमाई का स्रोत है भारतीय रेलवे के लिए। अगला है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च किस रूप में होता है। पहला था कमाई का सबसे बड़ा जरिया और दूसरा है सबसे अधिक खर्च कहाँ होता है, तो यह होता है कर्मचारियों के वेतन भुगतान में। आगे, भारत की पहली रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और अगर पूछा जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में करी थी, तो वह थे लॉर्ड कर्जन 1905 में। भारत की पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और रेलवे बोर्ड बना था लॉर्ड कर्जन के समय पे। आगे चलते, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन, जैसे और फील्ड में पूछा जाता है फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ फिजिक्स, तो ऐसी फादर ऑफ रेलवे, रेलवे का पितामह। भारत के पहले रेल मंत्री थे आसिफ अली। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में थे भारत के पहले रेल मंत्री आसिफ अली। आगे है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों, राष्ट्रीयकरण होता है जब सरकार किसी भी सर्विसेज को, किसी भी चीज को अपने अंडर ले लेती है। मतलब भारतीय रेलवे उसके बाद से भारत सरकार की हो गई, सेंटर के अंडर आ गई, तो यह हुआ 1950 में राष्ट्रीयकरण। भारत रेल और एक तथ्य है, भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है, इसे जरूर एक बार ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहां पर है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है मुगल सराय में, और मुगल सराय आपका बिहार में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जी हाँ, विश्व का, इस भारत नहीं विश्व का पूछा जा रहा है, तो यह है गोरखपुर। गोरखपुर यूपी का एक जगह है, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं से आते हैं,
इसकी लंबाई है 1355 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के आसपास है। सोच सकते हैं आप कितना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तभी यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। आगे रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? रेलवे दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, और अगर पूछा जाए रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है तो यह 10 से 16 अप्रैल को। भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? तो यह शुरुआत हुई 20 अक्टूबर 1984 में, और कहां पर हुई? कोलकाता में। तो भूमिगत मतलब यानी जमीन के नीचे जो होती है, तो इसको मेट्रो रूप में बनाया गया था। भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में हुई, 20 अक्टूबर 1984 में हुई। आगे है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली साप्ताहिक रेलगाड़ी, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी, और कुल जो डिस्टेंस है तय करती है यह है 4273 किलोमीटर। तो यह है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग किस खंड में है? उत्तर रेलवे के कालका शिमला रेलवे खंड में है। 103 सुरंग है यहाँ पे इस खंड में। तो ये है भारतीय रेलवे में सर्वाधिक सुरंगे। एक और वो है कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे संचालित करता है। जो कोलकाता मेट्रो है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, उसको डीएमआरसी करता है, अलग से उसके लिए एक संगठन संगठन बना रखा है डीएमआरसी, लेकिन जो कोलकाता मेट्रो है उसको भारतीय रेलवे संचालित करता है। आगे है पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच। अगर पूछा है उत्तर भारत में कब चली, तो ये चली 1859 में इलाहाबाद से कानपुर। अगला है रेलगाड़ियों में पहली बार एसी कब लगाया गया? तो 1936 में रेलगाड़ियों में पहली बार एसी लगाया गया। पहली महिला रेल मंत्री ये थी ममता बनर्जी, अरे बनी 1999 में। कंप्यूटर से आरक्षण की सुविधा कब शुरू करी गई? 1986 में कंप्यूटर से आरक्षण की सुविधा शुरू करी गई नई दिल्ली से। भारतीय रेलवे की पहली डबल डेकर ट्रेन कब चली? दोस्तों डबल डेकर बसें सुनी होंगे आपने, मुंबई में बहुत फेमस होती हैं डबल डेकर, लेकिन 2005 से डबल डेकर ट्रेनें भी चलाई गई, मतलब इसमें 2 फ्लोर होते हैं। ये कुछ फेमस ट्रेनें हैं, ये किसके शासनकाल में चलाई गई, जब कौन रेल मंत्री थे? संपर्क क्रांति, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब यह चलाई गई। गरीब रथ लालू प्रसाद ने चलाई, और दुरंतो एक्सप्रेस चलाई ममता बनर्जी ने। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ट्रेन है भारत की। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? ये है 17 जोन, और डिवीजन पूछा जाए तो 68। कोलकाता मेट्रो भी भारतीय रेलवे संचालित करता है, तो ये भी एक जोन हो जाता है, 16+1 हो जाता है। और ये जो एक है ये है कोलकाता मेट्रो का जोन। सबसे पुराना जोन पूछा जाए तो ये है भारतीय रेलवे जोन, दक्षिण भारतीय रेलवे जोन। 14 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। दोस्तों एक टेबल है, इसमें आपको सारे जोनों के बारे में पता चल जाएगा कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनका स्थापना वर्ष कब का है। तो जरूर एक 17 के 17 पे नजर डाल लीजिएगा कि कब कौन बना, कौन सा कब बना, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, तो ये आपके बहुत ही काम आएगा। और दोस्तों पहले पार्ट में यही थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अगले पार्ट भी आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।